हे गाइस, क्लैश ऑफ क्लैंस का हो गया है अपडेट लाइव और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गेम में आए चेंजेस के बारे में। इस अपडेट में आया है न्यू सुपर ट्रूप्स, न्यू ट्रूप्स रीइंफोर्समेंट सिस्टम, बिल्डर बेस चेंजेस, बैलेंस चेंजेस और होम विलेज इम्प्रूवमेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं सुपर ट्रूप्स की, जो कि एक नया कंसेप्ट है जो मेकर्स द्वारा गेम में लाया गया है। अरे भाई, ये क्या है? ये है सुपर ट्रूप्स को डेवलप करने की जगह, जहाँ पर आप अपने सुपर ट्रूप्स को डेवलप कर सकते हो। अभी तक गेम में 4 सुपर ट्रूप आए हैं, उनमें से एक सुपर ट्रूप है स्निकी गोब्लिन, जिसकी डैमेज पर सेकेंड है 160, जिसके हिट पॉइंट्स है 270, ट्रेनिंग कॉस्ट 600 एलेक्सर, ट्रेनिंग टाइम 21 सेकेंड और हाउसिंग स्पेस इस ट्रूप की 3 है। इस ट्रूप की स्पेशल एबिलिटी है कि जब हम इनको रिलीज करते हैं तो ये स्टार्टिंग के कुछ सेकंड के लिए इनविजिबल होते हैं। अभी तक हमने इस बेस पर 16% कर लिया है और अभी हमने आसपास की बिल्डिंग थोड़ी क्लियर की। अब मेरा इरादा है कि हम टाउन हॉल पर निशाना साधे। यहाँ पर मैंने एक जंप स्पेल गिरा दी है और सभी नहीं थोड़े से गोब्लिन में बचा के रखूँगा डैमेज के लिए। और यहाँ से कुछ नहीं हुआ, मुझे रेज का यूज़ करना ही पड़ेगा। और यहाँ पर मैंने टाउन हॉल के पास फेंक दिया है रेज, जिसके कारण टाउन हॉल हो गया है डिस्ट्रॉय। अब साइड से डैमेज इंक्रीज करने के लिए हमने सभी गोब्लिन रिलीज कर दिया और रेज के साथ, लेकिन कुछ डैमेज के बाद सभी मर गए। और इस बेस पर हमने किए हैं 32% और 1 स्टार सिर्फ स्निकी गोब्लिन यूज़ करके। अब चलते हैं हमारे अगले सुपर ट्रूप, जिसका नाम है सुपर बारबेरियन, जिसकी डैमेज पर सेकंड है 180, हिट पॉइंट्स है 1000, ट्रेनिंग कॉस्ट है 1500, ट्रेनिंग टाइम 25 सेकंड्स और हाउसिंग स्पेस 5 की और इसकी मूवमेंट स्पीड 20 है। और इसकी स्पेशल एबिलिटी है कि जब हम इनको रिलीज करते हैं तो ये 8 सेकंड तक रहते हैं रेज में। अब हम कुछ डिफेंसेस और टाउन हॉल को डिस्ट्रॉय करेंगे। मैंने 2 जगह डाल दी है जंप स्पेल ताकि वो तोड़ने में टाइम ना वेस्ट हो, और एक सेंटर में डालूंगा मैं फिर से जंप स्पेल और हील डाल दी है। अब ये टाउन हॉल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, देखते हैं कितनी जल्दी होता है। मैंने दूसरी हील भी यूज़ कर ली है, ईगल आर्ट्री हो गई है एक्टिव और ये फ्रीज गलती से गलत जगह फेंकी गई। और अभी तक तो अच्छा खासा चल रहा है, क्लैन कैसल को ट्रूप से मार दिया है। मेरे ख्याल से ये 50% होना चाहिए और ये 50% हो गया है 2 स्टार के साथ। और देखते हैं ये एंड कहां तक होता है। अभी मेरे कुछ ही ट्रूप्स बचे हैं और ये ईगल आर्टरी डिस्ट्रॉय होनी चाहिए, मेरे ख्याल से हो भी जाएगी क्योंकि इतने ट्रूप्स बचे हैं कि ईगल आर्टरी को डिस्ट्रॉय कर सके। और ये ईगल आर्टरी पर अटैक कर रहे हैं बारबेरियंस और ये ईगल आर्टरी डिस्ट्रॉय होती हुई, एयर डिफेंस भी डिस्ट्रॉय हो गया है, लेकिन इन्फर्नो के कारण ये मैच यहाँ पर ही एंड होता है। हमने सुपर बारबेरियन को यूज करते 61% किया है, वो भी 2 स्टार। अब बारी आती है हमारे तीसरे सुपर ट्रूप की, जिसका नाम है सुपर वॉल ब्रेकर। इस ट्रूप का डैमेज पर सेकंड है 78, डैमेज व्हेन डिस्ट्रॉयड है 213। इसकी एचपी यानी हिट पॉइंट्स हैं 350, इसकी ट्रेनिंग कॉस्ट है 7200 एलिक्सर, इसका टाइम है 1 मिनट, इसकी हाउसिंग स्पेस है 8, जो कि 4 गुना है सिंपल वॉल ब्रेकर से, और इसकी मूवमेंट स्पीड है 28। और इस ट्रूप की स्पेशल एबिलिटी का नाम है मेगा बॉम्ब। जब ये ट्रूप मारा जाता है या मरता है तब ये अपने आसपास की बिल्डिंग्स या वॉल्स को अच्छा खासा डैमेज करता है। और अब बचे हैं हमारे लास्ट सुपर ट्रूप, जिसका नाम है सुपर जाइंट। इस ट्रूप की डैमेज पर सेकेंड है 130, हिट पॉइंट्स 4200, ट्रेनिंग कॉस्ट 9000 एलिक्सर, ट्रेनिंग टाइम 1 मिनट और हाउसिंग स्पेस 10, जो जाइंट से 2 गुना है। और ये ट्रूप की स्पेशल एबिलिटी है कि ये वॉल्स को ज़्यादा डैमेज देते हैं एज कंपेयर टू जाइंट्स।
और इस मैच में हम सभी सुपर जायंट्स को यूज कर रहे हैं। हमारे पास अभी 5 स्पेल बची हैं, 3 रेज और 2 हील। अब मैं एयर डिफेंस के सेंटर में हील फेंकूंगा ताकि जायंट्स हील हो सके और बाद में रेज, और क्योंकि मैं जल्दी से जल्दी क्लियर करना चाहता हूँ ये बेस। इन सुपर जायंट्स ने पूरे डिफेंस को परेशानी में डाला हुआ है क्योंकि ये आराम से सभी डिफेंस को डिस्ट्रॉय करी जा रहे हैं। सिर्फ सुपर जायंट्स ही मैंने यूज़ कर रहा हूँ इस मैच में, और 32%, 34%, 36%, 38% डिस्ट्रॉय हो चुका है। और मैंने अब हील यूज़ की ताकि ये सुपर जायंट्स कुछ हील हो सकें। अब मैं रेज यूज़ करूँगा ताकि जल्दी से जल्दी बेस कवर करें, और लेकिन आर्चर क्वीन पीछे से डैमेज कर रही है जो कि कुछ अच्छा नहीं है। अब किंग भी अपनी बैती गंगा में हाथ धो रहे हैं, और उधर देख सकते हो कुछ जाइंट्स हमारे टेस्ला को डिफीट करने में लगे हैं। मेरे ख्याल से सभी डिफेंस तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और टाउन हॉल का अभी पता नहीं चला है कि होगा क्या। अब कुछ जाइंट्स टाउन हॉल के पास जा रहे हैं और ये स्पेशली दूसरी साइड से जाएंगे ताकि आसानी से वॉल टूट सके। पर आप देखो कि कितनी आसानी के साथ ये वॉल तोड़ रहे हैं, और ये टाउन हॉल के पास पहुंचते हुए हमारे जाइंट्स, और अब टाउन हॉल हो गया है डिस्ट्रॉय। हमारे 61% और 2 स्टार्स हो चुके हैं। अब ये 3 स्टार अटैक हो सकता है, लेकिन बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम क्लिक करेंगे एंड बैटल पर। अब बात करते हैं होम विलेज इम्प्रूवमेंट के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर एक रास्ता सा बना दिया गया है हमारे क्लैन बैनर के साथ में, और यहाँ पर इस जगह पे लूट कार्ट अब हमारी आएगी। और ये आप देख सकते हो कुछ स्टोन्स मॉडिफाइड किए गए हैं, ग्रास का टेक्सचर वगैरह भी चेंज हुआ है, और एक वाटरफॉल आया है हमारे विलेज में जो हमारे विलेज को बहुत ज़्यादा सुंदर बनाता है, और ये दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है। अब बात करेंगे न्यू रीइंफोर्समेंट सिस्टम के बारे में। कुछ क्लैंस में ऐसा होता था कि हमको रॉन्ग डोनेशन दी जाती थी, अब ये ऐसा नहीं होने वाला है क्योंकि आप अब जो आपको ट्रूप्स चाहिए आप वो अब सेलेक्ट कर सकते हो, और अगर आपको मैक्स ही चाहिए तो आप मैक्स भी पा सकते हो। सबसे पहले मैं अपने सिलेक्टेड ट्रूप रिमूव कर देता हूँ, और आप इसमें से अपने ट्रूप सेलेक्ट कर सकते हो जो कि आपको चाहिए। और जैसे कि मुझे अभी इलेक्ट्रो या फिर बलून चाहिए, और मुझे स्टोन स्लैमर चाहिए और फ्री स्पेल चाहिए, तो मैं इन सबको भी सिलेक्ट कर लूँगा और कंफर्म का बटन दबा दूँगा। अगर ये आपको ये सभी ट्रूप मैक्स चाहिए तो ओनली अलाउ मैक्स लेवल डोनेशन, इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा और कंफर्म का बटन दबाना पड़ेगा। और आखिरी चीज जो इस अपडेट में आई है वो है बिल्डर बेस चेंजेस। बिल्डर बेस में सबसे बड़ा चेंज आया है वो ये है कि अब कोई भी ट्रेनिंग टाइम नहीं होगा ट्रूप्स का। अब एक मैंने मैच स्टार्ट किया है, अब मैं अपने सभी ट्रूप्स रिलीज करूंगा। ये मैंने रिलीज कर दिए, बैटल मशीन भी मैंने रिलीज कर दी, और मैंने अब कर दिया है सरेंडर। अब हम वापस जाएंगे और देखेंगे कि हमारे ट्रूप्स रेडी हैं या नहीं, और ये सभी के सभी ट्रूप्स और बैटल मशीन दोनों ही रेडी हैं। अब क्वेश्चन आता है हमारे पास कि अब ये क्लॉक टावर का क्या होगा। क्लॉक टावर अब हमारे अपग्रेडिंग टाइम और कलेक्टर्स को बूस्ट करेगा। इसी के साथ अपडेट्स की चर्चा यहाँ पर होती है ख़त्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और देखते रहिए स्केरी कृष्णा गेमिंग।